हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के लिए एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ रही हूँ, क्योंकि कुछ बिजी भी चल रहा था, तबीयत खराब और शादी सीजन भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, इसके कारण से मैं ये सारा वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी। तो मैं सोची क्यों ना आज कुछ आप लोग को इन्फॉर्मेशन वीडियो बना लूँ। वीडियो स्टार्ट से लास्ट तक, मतलब वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि सबसे पहले आपके यहाँ नोटिफिकेशन पहुँचे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बकबक नहीं करते क्योंकि मैं बोल भी नहीं पाऊँगी। तो आज बात करते हैं कि मेडिकल फील्ड में क्या क्या कोर्सेस है, मतलब अगर बस GNM नर्सिंग या BSc नर्सिंग या ANM नर्सिंग अगर करना चाहते हैं आप, या इसके अलावा कुछ और करना चाहते हैं कि इसके बाद भी कुछ मेडिकल लाइन में कोर्सेस है या नहीं है, या क्या उसका काम है, ये सारा कुछ। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। तो अगर आप ANM नर्सिंग या कोई भी नर्सिंग नहीं करना चाहते हैं, तो आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शन है मेडिकल फील्ड जाने के लिए, जैसे कि बहुत सारे कोर्सेज का मैं नाम बता रही हूँ आपको, कि आप वो सब कोर्स भी कर सकते हैं। जैसे कि आप BMLT कोर्स होता है, जो कि ये एक लैब टेक्नीशियन कोर्स है, जिसमें आपका जो भी ब्लड टेस्ट होता है वो सारा इसमें आपको बताया जाएगा कि कैसे होता है, उसके मशीन्स के बारे में सारा कुछ आपको BMLT कोर्स होता है उसमें बताएगा। इसके बाद आपका रेडियोथेरेपी कोर्स होता है। रेडियोथेरेपी का मीन्स हो गया आपका जैसे CT scan हो गया, X-ray हो गया, MRI हो गया, ये सारा जो भी रेडियोथेरेपी है, ये सारा रेडियोथेरेपी के अंदर आ रहा है आपका कोर्सेस, ये सारा चीज। तीसरा आपका आ रहा है फिजियोथेरेपिस्ट, ये भी बहुत ही अच्छा कोर्स है एक मेडिकल लाइन में फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स, कि जैसे पेशेंट को फिजियोथेरेपी का जरूरत है, या हमारे बॉडी मसल्स में कहीं पेन होता है, जो हम लोग डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि फिजियोथेरेपिस्ट के पास जा, वो हमें एक्सरसाइज बताते हैं, तो आप इस कोर्स को भी कर सकते हैं। अगर आपको नर्सिंग कोर्स या डॉक्टर्स कोर्स में इश्यूज है, अगर आप नहीं करना चाह रहे, आपको इंटरेस्ट नहीं है उसमें, और आप मेडिकल कोर्स में, मतलब मेडिकल फील्ड में भी जाना चाहते हैं, तो आप ये सारे कोर्स कर सकते। उसके बाद आप डी फार्मा या तो बी फार्मा कोर्स होता है, जो फार्माकोलॉजिस्ट होते हैं, जिसमें आप हॉस्पिटल्स में या कोई भी मेडिकल शॉप में, या आप अपना खुद का मेडिकल शॉप भी खोल सकते हैं, तो आप ये कोर्स भी कर सकते हैं। एंड लास्ट ऑफ आप OT टेक्नीशियन का कोर्स भी कर सकते हैं, ये भी एक अच्छा कोर्स है, कि OT के बारे में क्या, मतलब इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, या क्या क्या उसमें मेडिसिंस हमें सारा रेडी करके रखना पड़ता है, तो ये सारा चीज़, तो आप एक OT टेक्नीशियन का भी पढ़ाई कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो में समझ में आ गया होगा। अगर आप नर्सिंग कोर्स या डॉक्टर का कोई कोर्स नहीं करना चाहते, या आपको ये दोनों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेडिकल फील्ड में आपको जाना है, तो आप ये सारे कोर्सेस मैंने जो बताया है, ये सारे कोर्स में से कोई भी एक कोर्स कर सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और सारे कोर्सेस में आपका वैकेंसी अवेलेबल होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं है, किसी में ज़्यादा किसी में कम, यही है और कुछ नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।